हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में। और आ गए हैं अभी आज हम कहीं पे, तो कहीं का मतलब आप सोफा देख के पहचान गए होंगे और साथ में ये वाला बेड देख के पहचान गए होंगे। बहुत कुछ देखकर आप पहचान ही रहे होंगे, लेकिन अपने को वो वाला बहुत पसंद है, ये वाला जो सोफ़ा है। और अब ये हम नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है, औकात से अब इसी का हो गया है। जहाँ हमारे भैया जी मंजीत दा हमारे बहुत करीबी इंसान है, लेकिन बहुत अभी बदले बदले से जब से शादी हो गया है बहुत जिल्लत सी फील होती है हमें जब सिर्फ काम के लिए यहाँ बुलाया जाता है। काम के लिए अभी आए थे, काम वाम कर दिए हैं, काम उधर चालू है पीसी पे, इधर हम बैठे हुए हैं। और ये हमारे मंजीदा का कमरा आपको हम फिर से दिखा दें, इधर है ना, इधर हमारे भौजी के लिए है ये वाला नयका आया है। और इधर ये अभी भौजी नहीं है लेकिन अभी भैया सब रहते हैं यहाँ पे। और इधर ये वाला एक नंबर सा अपना, कभी कभी लाइफ में पैसा हुआ तो ये तो खैर इनको दहेज में मिला है, हम अपने पैसे से खरीदेंगे। और अभी मंजीदा अकेले रहते हैं तो बिल्कुल, देखिए ये इसको बुलाता है डर डर, क्योंकि भाभी नहीं है, दाग वाग लगेगा तो बाद में बात सुनने को मिलेगा, इसे ढक के रखें पूरा, वरना यही तो बात है कि नहीं, यही बताइए। डरते हैं लेकिन अगर बात मानना पड़ेगा। कैमरा पे नहीं कबूर अलग बात है, लेकिन भाभी से पूरा डरते हैं। और लग गया है यहाँ पे इंक, क्योंकि पता नहीं कैसे कहाँ से बहा दिए। और देख लीजिए भाभी नहीं रहने के बाद हाल देख लीजिए रूम का, लग रहा है कहीं कोई खवारी खाना आए हुए हैं, जहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई इज्जत नहीं है। देख लीजिए फालूदा बना हुआ है। और कमरा यहाँ पे तो पंखा, इतना अच्छा रूम, बस ऐसा ही ज़िंदगी चाहिए अपने को जो घूमते रहें साले को। पर ज़िंदगी बहुत ही बड़ी टसल से चल रही है। ये भी पंखा दहेजे मिला था क्या मजदा, ये बोला अरे भाई साहब कहाँ पंखा मिला था। और यहाँ पे हमारे भाई का प्यार, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, देख सकते हैं आप दिखा रहा है भाई, भाई का प्यार। अरे भाई का लिखा हमने, बस वही हो गया हमारे भाई का प्यार। कतई कर्सिव राइटिंग में है ये सब राइटिंग, ये सब राइटिंग कतई। तो मंजीत भैया अभी हमको लोभ देकर आए थे कि क्या खिलाइएगा, बोले पहले मिठाई खिलाएंगे, उसके बाद फिर बोले कि तुम्हारा फेवरेट है दस क्या कहता है मिक्सचर लाए हैं, कौन सा जूली। तो पता नहीं अब खाने का मूड है नहीं, क्योंकि मूड ठीक नहीं है फिलहाल। कंप्यूटर का पीसी का कुछ काम बच गया था यहाँ करने आए हैं, और ऑलमोस्ट होने होने को है। तो मैं बता दूँ आपको कि हमारे भैया जी बहुत ही मेहनती आदमी हैं। अभी मैंने इनको बोला कुछ बोला तो ये बोलते हैं भाई बहुत मेहनत से हो गया, वो भी नहीं होता आप सोचो क्या। अदरवाइज हमारे जो चैनल है 60,000 सब्सक्राइबर वाला सरकारी इन्फॉर्मेशन वो डिलीट हो चुका है, तो भाइयों हमारे प्रिय बहनों देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया वाला चैनल हम बनाए हैं, बहुत हम जो बता रहे थे वो सोफ़ा खरीदेंगे अब नहीं खरीद पाएंगे, तो आप लोग अगर प्यार दिखाते हैं तो शायद खरीद पाएँ। और हमारा लिप्स बहुत ही पिंक दिख रहा है, बस इसका एक ही उपचार है। और ये हमारे भैया जी काफ़ी मेहनत किया, देख लीजिए मेहनत करना शुरू कर दिए, बस ये मेहनत अकेले भी कर पाते हैं, समझ रहे बात को। अच्छा अभी आपका आप डीप ले लिए बात को, हैं डीप ले लिए हैं बात को। हमारे बैच में मतलब ऐसा है कि मंजीत दादा हम लोग बोलते हैं क्योंकि बड़े हैं, और हम लोग इसी कारण हम दा लगाते हैं, क्योंकि भैया बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, ख़राब नहीं लगता लेकिन दा थोड़ा सा अच्छा दिखता है, मतलब मेंटेन करता है हर एक चीज़ को। और भाभी जाने के बाद डोले छोले भर गया है मंजीत दादा का, बोले डेली उठते हैं। और आपको मैं दिखा दूँ कि ये सब कोई जो है ना पास में, जब मतलब अगर शादी वादी हो जाए तो सब पास में कुछ और उड़ लेके सोते हैं, और हमारे मंजीदा इसको लेके सोते हैं। पता नहीं कौन सा समय आन पड़ी है भाई साहब की इसको लेके सोना पड़े, और उसमें उसमें इतना बड़ा स्पीकर। एग्ज़ाम कब है आपका हो, हाँ तो एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है मंजीदा का, अगले बार एक एग्ज़ाम में मिस हो चुका था, हो तो गया आप क्या। अरे भैया राज गौरव है, हो गया ना, खुशी है ना। कलर प्रिंट मारिए तो भाभी का फोटो मारिए, कलर साले को प्रिंट कलर प्रिंट मारिए। ये जो पीसी लगा हुआ है भैया को हम ही गिफ्ट किए हैं, ये दहेज में नहीं मिला है लेकिन हमको है। हो एक बात पता है आपको, तो अभी मंजीदा के पास आए हैं, कुछ खाना पीना तो है नहीं, बस आ गए थे अभी दुकान से आए थे वो नए वाले दुकान से, और हमारा बाल झरने झरने की स्थिति में, पता नहीं मेरा ब्याह होगा कि नहीं। मंजीदा का तो हो गया लेकिन मेरा आया मंजीदा, कैसे बाल रुकेगा, देखिए दिख रहा है लाइनिंग।
अब आपका क्या है, आपका तो अब बच्चे बाल सीटेगा साले को, आपका क्या जाता है। मंजिता भी खूब स्ट्रगल किया किसी तरह बाल रिकवर हो जाए, भाई ब्याह शादी हो जाए, लेकिन तो ब्याह शादी तो हो ही गया, अब क्या, अब यहाँ अब जो है पढ़ने पे पूरा टाइम दे दिए हैं और हम कुछ अपने दुकान दुकान का फोटोकॉपी करते हैं और जीवन यापन कर रहे हैं किसी तरह। लेकिन मंजिता हमको कैसा एक जगह शादी करवा दीजिए जहाँ पे ना आपके तरह ही सोफा उफा मिल जाए सब कुछ। हो जाएगा। शादी नहीं, सामान चाहिए इस तरह का हो जाता है सब। लेकिन हम आपके तरह डर के नहीं जिएंगे, हमारे भैया डर के जीते, हम डर के नहीं जिएंगे। हम सोफा लेंगे लेकिन खुलेआम रहेगा, उस पर पानी खुला करेंगे उस पर। ठीक। और हमारे भैया देख लीजिए क्या किए, भाभी के डर के देखे उसको उड़ा के रखे ताकि कलर दिखे। देखिए इस तरह का कलर कितना यूनिक लगता है, बट देख लीजिए, देख रहे भाभी जाने की स्थिति। बस यही ब्लॉग था, हल्का सा मंजिला के पास आए थे, थोड़ा सा जिक्र शूट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, लव यू।